हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी एमबीवर्टियंस में। अभी हम लोगों ने सीरीज खत्म करी थी टेंसेस की और आज हम शुरू करने वाले एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव का इंट्रोडक्शन चलेगा और आपको मिलवाता हूं कुछ स्पेशल मेहमानों से जो कि मेरे स्टूडेंट्स भी है। चलिए देखते हैं इनको और शुरुआत करते हैं टॉपिक। So now we are going to discuss active and passive voice। लेकिन शुरू करने से पहले जान तो लें कि active और passive voice होता क्या है। स्कूल्स में क्या होता है, सीधा टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, उस टॉपिक के बारे में बताया नहीं जाता है, और टॉपिक बता भी देते तो इतना डीप में नहीं बताते हैं। लेकिन हम लोगों की वीडियोस में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। जैसे कि मैंने एक सीरीज शुरू करी है, दैट इज फॉर स्पोकन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव ग्रामर इंग्लिश, राइट। तो उसमें क्या है, हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इससे पहले मैंने टेंसेस खत्म करवाया, जिसने टेंसेस ढंग से समझ लिए उसके लिए टॉपिक बहुत इजी होने वाला है। लेकिन अगर आपने टेंसेस नहीं समझे हैं तो पीछे की वीडियो में जाके उसकी फॉर्मेशंस को समझे, क्योंकि मेथड सेम रहने वाला है और उम्मीद करता हूं इस मेथड से आपको जल्दी समझ में आएगा और आप अपनी लाइफ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं। एक्टिव में और पैसिव में वॉइस क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। द वॉइस ऑफ वर्ब tells whether the subject of the sentence performed or receives the action। यही से इसको समझने का मौका मिल रहा है। The voice, जो voice है verb का, वो बताता है कि subject जो है sentence का perform करेगा या receive करेगा किसी भी action को, ठीक है। मतलब subject जो है perform करेगा या receive करेगा किसी भी action को, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है voice। आगे बढ़ते हैं, active की बात करते हैं। active में मतलब जब आप अगर word से ही समझना चाहें तो active बता रहा है when you are doing something एक्टिवली, जब आप अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट जो भी एक्शन को परफॉर्म करेगा उसको डिनोट करने के लिए, उसके एक्शन को दिखाने के लिए क्या चाहिए हमारे को, वर्ब। तो क्या कह रहे हैं, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को जो कि एक्सप्रेस होता है किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को जो कि एक्सप्रेस होगा वर्ब के द्वारा। मतलब देखिए, अगर बेसिक बात समझे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, डूअर। वर्ब क्या है, जो वो काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है, अगर मैं वर्ब को हटा दूं तो बाकी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्ब बताता क्या है, वर्ब बताता है एक्शन को, ठीक है, क्रिया, क्या काम किया। तो यहां पे क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को जो कि एक्सप्रेस करेगा कौन, वर्ब को। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि एक्टिव का पैसिव बनाना क्यों है, क्यों बनाना पड़ता है एक्टिव का पैसिव वॉइस, देखते हैं। अभी हमने बात करी किसकी, एक्टिव और पैसिव वॉइस की। उसमें बताया कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब हम बात करने वाले व्हाई, क्यों और कब यूज करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर का। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके एग्जांपल को देखते हैं। दोस्तों, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो कि बनाया किसने या किसने किया है, या ये बताने की आवश्यकता नहीं हो कि कार्य किसने किया है, ठीक है, किस व्यक्ति ने काम किया, ये बताने की अगर जरूरत नहीं हो तो हम यूज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर का। सेंटेंस से समझते हैं सेंटेंस क्या बोलता है। This mosque was built years ago, ये मस्जिद जो थी कई साल पहले बना दी गई थी, ठीक है, लेकिन किसने बनाई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन था, तब हमने इसका यूज किया पैसिव स्ट्रक्चर का। दूसरा यूज देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना अवश्य हो। जब आप जिस ऑब्जेक्ट की बारे बात कर रहे हैं उसके बारे में उसको इंपॉर्टेंस देनी है आपने, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। देखिए, जैसे यहाँ पे The letter was written by, तो ऑब्जेक्ट में किसका यूज हो रहा है, मिस्टर गणेश का, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसको, मिस्टर गणेश को। तो द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गणेश, तो ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हम पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। थर्ड वन देखते हैं, द लास्ट वन, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। साइंटिफिक मतलब जैसे कि हम बोले कोई डिस्कवरी हो गया साइंटिफिकली, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां जो सब्जेक्ट है उसको
महत्व नहीं होता इतना, ठीक है, और जो इन्वेंशन है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसने बनाया है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो इन्वेंशन है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रामवेल, ठीक है, तो टेलीफोन जो इन्वेंशन है ग्रामवेल की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना जरूरी था, तो ग्रामवेल को पीछे लगा दिया गया। तो तीनों पॉइंट से समझ में आ जाएगा आपको कि कहां पे पैसिव स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेंसेस की सारी वीडियोस को एक बार देख लें, और अगर सारी नहीं देख सकते तो स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस की देखें, क्योंकि हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में।